Assalamu alaikum guys, welcome back. This is the last lecture, but believe me, it's not least in our NumPy course. इसके अंदर हम करेंगे कि हम स्टडी करेंगे द कंसेप्ट ऑफ स्टैकिंग क्या होता है, कंकैटिनेशन कैसे करते हैं दो एरेज की या मल्टीपल एरेज की, ठीक है. उसके बाद आप कह लो स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको मैंने डिसाइड किया कि लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँ NumPy कोर्स को इनके ऊपर. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट बनाएंगे कंक्लूजन, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होगा. तो उसमें उसको लाजमी देखिएगा और इसको भी कम्प्लीट देखिए, ताकि आपको ये तीनों कंसेप्ट क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तीनों को तीनों. स्टैकिंग क्या होती है, उसके बाद स्प्लिटिंग और उसके कंकैटिनेशन के, ठीक है, ताकि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. उससे पहले करते हैं क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक इन ऑब्जेक्टिव्स होंगे इन टॉपिक्स जो हम स्टडी करेंगे, ठीक है. तो इसको ओपन कर लेते हैं. ये स्टैकिंग के अंदर हम देखेंगे स्टैक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल, कॉलम और स्टैक क्या होते हैं, ठीक है. उसके बाद कंकैटिनेशन चेक करेंगे. इस कंकैटिनेशन डिपेंड करती है एक्सिस के ऊपर, ठीक है. चीज़ों को जोड़ना इसे कंकैट बोलते हैं. स्टैक होता है कि आप चीज़ों को अरेंज करना. आपने कभी डिशेज का स्टैक देखा हुआ है घर में, जब बर्तन लगाते हैं डिशेज के, ठीक है, स्टैक होता है वन अपॉन अनदर, ठीक है, इसे स्टैक बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद स्प्लिटिंग होती है चीज़ों को डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल, ठीक है. तो वही कंसेप्ट यहीं पर इंप्लीमेंट होगा. तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टैक से. तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं. और एक और बात, आज की वीडियो कुछ लंबी होने वाली है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट रिलैक्स एंड बी प्रोडक्टिव. इंपोर्ट कर लो NumPy को एज NumPy. उसके बाद एक सिंपल एरे बना लेते हैं डाटा के नाम से, उसमें कर लेते हैं NumPy डॉट अरेंज, अपनी मर्जी को जो सा मर्जी का यूज़ कर लो, तो ठीक है, चेंज कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं. उसमें हम कहते हैं कि अरेंज तो मुझे कर दो, कितने एलिमेंट्स का करना है, 24 कर दो, और मुझे कर दो ये कितने करेगा, ये 24 या 36 कर लो, 36 का आसान है क्योंकि उसका स्केल मैट्रिक्स बन जाता है, इसलिए कह रहा हूँ. डॉट रीशेप और कोई मसला नहीं है, 6x6 का, ठीक है. तो उसके बाद डाटा को प्रिंट कर लेते हैं यूजुअल, ठीक है. अच्छा, ये डाटा आ चुका है, ठीक है. और अब इसको स्टैक करते हैं. जो सबसे पहले फंक्शन NumPy में यूज़ करेंगे स्टैक का होगा. स्टैक करता क्या है जनाब, वो आप उसको अपने एरे पास कर दो, ठीक है, और एंटर मार दो, तो कुछ नहीं उसने किया, क्योंकि इसका बाइट फाइल जो एक्सेस होता है वो जीरो होता है, और जो एक्सेस जीरो होता है वो रो कंसीडर किया जाता है, ठीक है, एक्स एक्सेस, और जो एक्सेस वन होता है वो कॉलम कंसीडर किया जाता है. अगर मैं एक्सेस इक्वल टू वन करता हूँ तो इसको ये रीशेप नहीं करेगा, इसका ये सब कुछ रहेगा जस्ट लाइक ट्रांसपोज हो जाएगा. मैं इसका एक्सेस चेंज कर देता हूँ इक्वल टू वन, तो एक मिनट स्पेलिंग कर देते हैं एक्सिस के. तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे एरे को चेंज कर दिया, ठीक है, शेप भी वही है बस जस्ट लाइक ट्रांसपोज, ठीक है. तो आप इसे कर सकते हो, अगर आप एक और स्टेप यहाँ पे करके देखो, प्रिंट यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं. मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा डॉट टी, एंड अब इनमें देखो कोई डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. तो ये कंसेप्ट इसका उससे मिलता है, ठीक है. स्टैक ये होता है ना कि चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है, जिस ऑर्डर में आप चाहते हो अरेंज कर सकते हो, ठीक है. ये तो होता है जनरल स्टैक का फंक्शन, बट इसके कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं. एस स्टैक क्या होता है, वी स्टैक क्या होता है, कॉलम स्टैक, वर्टिकल स्टैक, उनको समझते हैं, वो यूजफुल काफ़ी फीचर्स हैं, उनको देखते हैं. पर उनका ये मैट्रिक्स 6x6 का काफ़ी बड़ा हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए. हमें छोटा सा मैट्रिक्स बनाते हैं 2x2 का, 4 एलिमेंट्स का या 8 एलिमेंट्स का बना लेते हैं. मैं 4 का बना लेता हूँ. NumPy डॉट एरे में को यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर 2x2 का मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x4, ठीक है, और इसको कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसके अंदर एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, 3x4 है, 5x6 कर देते हैं, 7x8 कर देते हैं, और यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, ठीक है. तो उसके बाद एक भी दो एरे बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है. तो मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ एच स्टैक क्या होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्टैक क्या होता है. NumPy डॉट एच स्टैक के नेम से इसका मॉड्यूल है, सॉरी फंक्शन है, मॉड्यूल तो नहीं होता. इसके अंदर मैं शिफ्ट एल दबा लेता हूँ. इसके अंदर आप एक्सेस नहीं दे सकते, इसकी यही तो खूबी है ना. इसका मतलब क्या है कि आपको आपकी चीज़ों को हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, अलाइन कर अरेंज कर देगा. अभी दिखाता हूँ कैसे. ए और बी पास कर देता हूँ, अब ये कैरेट देगा क्योंकि ये से चाहिए होता है टपल, ठीक है. तो उसे एक आर्गूमेंट चाहिए होता है एज अ टपल, ठीक है. हम दो दे रहे हैं वो ऐड देगा, ठीक है. तो आपने दो पास नहीं करने, आपने एक टपल पास कर देना. तो उसने किया क्या है कि 1, 2 और 3, 4, पहले मैं ए को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, और बी को भी. प्रिंट ए
एंड बी, दोनों को प्रिंट कर देता हूँ। देखो एक सैंपल एंड में करता हूँ, शायद आपको समझ में आसानी हो। और यहाँ पे मैं एक लाइन एक्स्ट्रा डाल देता हूँ और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो है ये एरे है 1 2 3 4, ठीक है। एंड सेकंड इज बी, ठीक है। तो उसने से किया क्या, एच टैग का मतलब होता है 1 2 3 4, तो उसने लिख दिया। उसके बाद उसने 5 6 लिख दिया। हम चलते हैं अपने इसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जो भी है। ये देखो उसने एक एरे आपका ये था, ठीक है। एक किसी रहने दिया, उसके साथ ही एक एरे यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये होती है हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग। स्टैकिंग होता है चीजों को अरेंज करना, भी हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हो गई। तो अगर आप वी स्टैक की बात करो तो वो सिंपल होगा, आपका एक एरे ये आ जाएगा और उसके नीचे एक नया एरे आ जाएगा, जो भी आपका होगा सेकेंड एरे, डेट इज वी स्टैक और डेट इज एच स्टैक, ठीक है। तो इसकी समझ लगी है। तो सिंपल, अगर आप इसको वी स्टैक भी लिख दो यहाँ पे, अगर मैं इसी को कर देता हूँ, क्योंकि यार टाइम थोड़ा सा सेव करना है, वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करूंगा। तो उसको क्या आई, उसने वर्टिकली अरेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। बस ये रही कंसेप्ट एच स्टैक और वी स्टैक का। अच्छा, अब बात आती है कॉलम स्टैक क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रो स्टैक क्या होता है। तो भाई वो भी अच्छा कंसेप्ट है, वो भी साथ ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉलम नंबर डॉट स्पेलिंग, ये तो बड़े मिस्टेक हो। कॉलम स्टैक, इसमें दो एरे पास कर देते हैं, तो वही एरर पहले भी कहा था कि एक उसे आर्गुमेंट चाहिए, हम दो पास करी जा रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है भाई, इंसान गलतियों से सीखता है। तो अब क्या किया उसने, कॉलम स्टैक और एच स्टैक में किसी को फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैं अभी आपको एच स्टैक दिखाता हूँ। इन दोनों की वर्किंग में कोई फर्क नहीं है, ऐसा लगता है बिल्कुल, बसाइड देखने में यही लगता है। तो फिर ये क्यों, इसे कॉलम स्टैक क्यों किया, कहा क्यों एच स्टैक कर देते? दोनों की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, आपको कुछ खास चेंजिंग नहीं नजर आएंगे। शिफ्ट टैब दबा दो, ठीक है। स्टैक एरेज इन सीक्वेंस हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाला मेथड बनाया, से बोलते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। और इसको अगर आप स्टडी कर लो, शिफ्ट टैब दबाओ, ठीक है। अच्छा, दी स्टैक 1D एरे एज कॉलम इन 2 और 2D एरे, इतनी हाई लेवल डेफिनेशन लिखी हुई है भाई, मेरी समझ से बाहर। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ क्या होता है, आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, अच्छी होती है सेहत के लिए। अच्छा, दी हॉरिजॉन्टल स्टैक होता है कि उसने उसके बिल्कुल साथ ही अरेंज कर दिया एक्स एक्सिस पे। तो कॉलम स्टैक भी यही होता है ना। कॉलम स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उसे हॉरिजॉन्टली अरेंज कर, हॉरिजॉन्टली मत कहो, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे चलते हैं, ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन येलो कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात करने लगा एच स्टैक की। एच स्टैक का ये कंसेप्ट था, उसने इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया, ठीक है। ये हो गया एच स्टैक, ये कहानी समझ सबको लगी इजिली, कोई मसला नहीं है। अब जो होता है ना कॉलम स्टैक, वो करता क्या है, अगर आप एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना लो, ठीक है, तो आपका कॉलम कौन सा होगा, ये वाले आपके कॉलम्स होंगे ना। तो वो आपको कॉलम स्टैक, कॉलम स्टैक का मतलब है कि उसको एक आपका मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, तो अगर कॉलम में यही चीज यहीं पे आएगा ना, तो वो उसे यहीं पे अरेंज कर देता है। अगर देखा जाए तो ये हॉरिजॉन्टल स्टैक भी तो बनता है ना, बढ़िया कॉलम स्टैक भी बनता है। तो ये कंसेप्ट कॉलम स्टैक और हॉरिजॉन्टल स्टैक का है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल स्टैक का। एच स्टैक लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ना, बस कोशिश करो समझने की। और ये वाला हो गया कॉलम स्टैक, COL, एक तो लिखना बड़ा मुश्किल काम है यार, कॉलम स्टैक, ठीक है। तो अगर देखा जाए यही कॉलम बनते हैं, इसका कंसेप्ट कब समझ लगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगे। सिमिलर, सेम टू सेम, वाइस वर्सा जो बोलते हैं ना, वो उसका वी स्टैक का, वर्टिकल स्टैक का और रो स्टैक का है, वो दोनों सेम होते हैं। तो उन पे चल ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कंजूसी तो नहीं कह सकते, टाइम सेव करते हैं, टाइम इज मनी, इसको सेव करना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोस्ट है, रोस्ट है, ठीक है। तो वो कोई चेंजिंग नहीं है, वही कंसेप्ट है, रो वाइज कैसे होता है और कॉलम वाइज कैसे होता है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी ये। अब मुझे तो चीज़ें आसान नहीं लगती, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर हूँ, क्योंकि मैंने आपको एज अ बिगिनर अपने आप को रख के पढ़ाना है, ताकि जो कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आते आपको कैसे समझ आएंगे, ठीक है। मैं पढ़ाने बैठा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करने बैठा है, या व्यूज कमाने नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक भी चलते हैं। नेक्स्ट होता है जी स्टैकिंग के कंसेप्ट, हमने सारे रीड कर लिए हैं, अगर देख लिए तो कोई याद तो नहीं किया। स्टैक क्या होता है, एच स्टैक क्या होता है, वी स्टैक, कॉलम स्टैक, रो स्टैक, ये सब कुछ डिस्कस कर लिए, ठीक है। एच स्टैक, वी स्टैक के अंदर और कॉलम और रो स्टैक के अंदर आपके पास एक्सेस देने की इजाज़त नहीं होती। शिफ्ट टैब दबाओ, आप एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आप स्टैक के जनरल फंक्शन के अंदर एक्सेस पास कर सकते हो। सही हुआ, ये कंसेप्ट आपको समझ लगी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जनाब, कंकैटिनेशन क्या होता है। कंकैटिनेशन का होता है दो एरेज को जोड़ना, स्टैक भी यही है, तो इनमें डिफरेंस क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। और उससे पहले एक बार
उसका कोई एक फंक्शन चला के देखते हैं कंकैटिनेशन का, फिर आपको समझ में दी जाएगी। मैं कॉनकैट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ उसके, ठीक है, और कंकैटिनेशन यहाँ पे कॉनकैट लिखता है वो, और इसके अंदर मैं ए और बी लिख देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। वही हमेशा की तरह एरर कहता है, जी नहीं यार ऐसे नहीं, मुझे टपल पास करना पड़ेगा इसके अंदर। मैं एक टपल पास कर देता हूँ आदत से मजबूर। अच्छा जी, उसने क्या किया जी, जब मैंने कनकैट किया, बाय डिफॉल्ट इसका एक्सिस होता है जीरो, और एक्सिस जीरो कौन सा होता है, रो एक्सिस होता है। तो उसने एज अ रो से क्या किया, कंबाइन करके जोड़ दिया साथ दो एरेज को, ठीक है। और अगर मैं एक्सिस का मैं अगर चेंज कर दूँ, इसमें आप एक्सिस दे सकते हो, जैसे आप स्टैक जो जनरल फंक्शन है नंपाई डॉट स्टैक, उसके अंदर जैसे आप एक्सिस दे सकते हो, उसी तरह आप कनकैट फंक्शन के अंदर एक्सिस दे सकते हो। और कनकैट इनके अंदर जो एक्सिस जीरो होता है वो होता है रो, तो इसलिए उसने दो एरेज को रो वाइज क्या किया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, कनकैट कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक्सिस चेंज कर देता हूँ, एक्सिस इक्वल टू वन कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसे कॉलम वाइज, ठीक है, एक्सिस वन होता है कॉलम वाइज, उसने कॉलम वाइज इसको कनकैट कर दिया। तो ये भी कंसेप्ट इसलिए बाद में डिस्कस किया है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी भी तो डिस्कस किया है ना, रो स्टैक वाली कहानी और उसकी वी स्टैक वाली कहानी, दोनों सेम होती है, क्यों होती है, उसकी आपको वजह बताइए कि उनके भाई कैसे वो काम करता है। तो वही वजह इसको जेहन में रखना है, आगे भी सारी वजह वही यूज होनी है, ठीक है। तो जिसे आप रीजन बोलते हो वही कंसेप्ट यूज होना है, ये वाला कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये यूज होना है, इसको बस जेहन में रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद कनकैट कर दिया उसने। अच्छा जी, कनकैट जो होता है वो जितने भी आपके एक्सेस होते हैं ना उन्हीं की उन्हीं को मैनेज करता है, न्यू एक्सेस क्रिएट नहीं करता। और जो आपका स्टैक होगा, अगर आपके जेन में एक क्वेश्चन आता है, मैं एज अ बिगिनर हूँ, मेरे जेन में एक क्वेश्चन आया है यार स्टैक भी वही काम कर रहा है, कनकैट भी वही काम कर रहा है, तो नंपाई या तो पागल हो गई है या हमें बना रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो स्टैक होता है वो न्यू एक्सेस क्रिएट कर सकता है, मतलब कर देता है वो बाज दफा, ठीक है, और वह करता है वो। और जो कनकैट होता है वो न्यू एक्सेस क्रिएट नहीं करता, सही है, उसी एक्सिस पे उनको कंबाइन कर देता है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कनकैट के अंदर जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे जो एरे ए है और एरे बी है उसकी डेफिनेशन को चेंज कर देता हूँ। एरे ए को मैं ये रहने देता हूँ, मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा कूल हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगी। मैं इसे यहीं पर ले आता हूँ, मैं इसे यहीं पर लेके आता हूँ, और मैं ए के अंदर ए की शेप है 2x2 की है और बी भी 2x2 का है, प्रिंट करके देख लेते हैं मजीद इसे, ए डॉट शेप एंड बी डॉट शेप, ठीक है, शूपी लिख दिए कोई बात नहीं, क्लरिकल मिस्टेक्स होती रहती हैं, इन पे नहीं जाना। अच्छा, इस दोनों की शेप 2x2 की है, 2 डायमेंशनल, हमें पता है, सिंपल से बच्चों वाली बातें हैं सारी सारी, अब आप लोगों के लिए, क्योंकि तो आप कंप्लीट कोर्स कर चुके हो नंपाई का, ठीक है। इसके बाद कोर्स क्या करेंगे वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कोर्स हमने कौन सा करना है। तो अच्छा, उसके बाद करता गया हूँ मैं, इसकी डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 5 6 7 8 और 9 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास एक एरर आना चाहिए, जारी सी बात है, ये एरर आता है ड्यू टू ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि एरर शेप रिकॉल नहीं है। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के कंसेप्ट होते हैं जो कि आई थिंक हमने पढ़ लिए हैं शायद। वो सिंपल होता है कि अगर दो एरर पे आपने अर्थमेटिक के ऑपरेशन लगाने हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उनकी शेप सेम होनी चाहिए उनके, उसके ब्रॉडकास्टिंग के 2 3 रूल्स हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम उसे सीख लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, अच्छा जी, वो कहता है जी इसके देखो 2x2 और 3x2 है, तो मैं से इसके ऊपर इनको दोनों को कनकैट नहीं कर सकता। तो एक आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, अगर आपने एक्सिस वन पे कनकैट करना है, तो एक्सिस वन होता है भाई जन कॉलम वाला, तो करो क्या भाई, दोनों के कॉलम जो है ना उनकी जो मर्जी जितनी मर्जी लेंथ बढ़ा दो, मतलब ए के कॉलम्स 2 है ना, फॉर एग्जाम्पल ये ए के कॉलम ए मैट्रिक्स या आपका एरे जो है उसके कॉलम की है 2, ठीक है, तो आप भाई ए के या बी के कॉलम्स की तादाद बढ़ा दो या कम कर दो, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर जो उनकी रोज होंगी सेम रखना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसके कॉलम्स बढ़ा देता हूँ और रोज को सेम रखता हूँ। मैं क्या इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर अ मिनट, और 7 8 और यहाँ पे 9 कर देता हूँ और यहाँ पे 5 6 एंड 7, तो भाई ये चलेगा, उसे कोई मसला नहीं है, उसने उसको कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये ट्रिक बतानी थी कि जिस एक्सिस के अलोंग आपने उसको कनकैट करना है, तो उसको छोड़ के उसकी आप जितनी मर्जी उसकी वैल्यू बढ़ा लो, कम कर दो उनकी, अगर तो आप एक्सिस वन कर रहे हो तो आप कॉलम की दोनों मैट्रिक्स या किसी एक मैट्रिक्स या एरे की कॉलम जो है जितना मर्जी साइज बढ़ा दो, कम कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, उनकी जो रोज है उनको सेम रखना, कनकैट करने में आसानी होती है, ठीक है, क्योंकि ये न्यू एक्सिस को क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो अभी एक चीज़ आप और दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, तो ये बात मुझे कंप्लीट करने दो अपनी। और जो अगर आप इसकी एक्सिस जीरो जो कि रो एक्सिस होता है उस पर बात इसको कनकैट कर रहे हो, तो जनाब आपको उसकी रो छोड़ के
कॉलम को सेम रखना पड़ेगा, रो जैसे मर्जी आप चेंज कर सकते हो। जो कंसेप्ट अभी इम्प्लीमेंट किया है वही सेम कंसेप्ट एक्सेस जीरो पे भी इम्प्लीमेंट होता है, बट उसके वक्त आपने उसकी जो रोज हैं उनको सेम ना रखो या ना रखो, आपकी अपनी मर्जी है, बट उसके कॉलम जो है उनको सेम रखना है। तो होप सो ये आपको कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अच्छा जी, ये कंसेप्ट आपको समझ लगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट आता है वो होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या होती है? मतलब आप किसी बड़े एरिया को सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो, उसे स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग करके देख लेते हैं किसी भी एरिया की। मेरे पास एक एरिया था वो 6x6 का मैंने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स बनाया था। मैट्रिक्स तो नहीं याद है, हर बार मुंह से निकल जाता है मैट्रिक्स एरे, ठीक है। तो उसको मैं कंबाइन स्प्लिट करके देख लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी 6x6 36 एलिमेंट्स का वो एरे था, तो उसको स्प्लिट करते हैं। डाटा चेक कर लेता हूँ वैसे है भी अभी तक या जिंदा है नहीं। हाँ है, तो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ नम पाई डॉट स्प्लिट और SPLIT स्प्लिट एंड इसमें डेटा पास कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या करते हैं वो। सबसे पहले उसने दिया एरर। भाई एरर क्यों दे रहा है? वो कहते हैं एंड पे लिखा हुआ है इंडाइसिस और सिलेक्शन, आपने बताना है कि इस एरे को कितनी हिस्सों में डिवाइड करना है और किस एक्सिस पे करना है। आप ये चीज़ें बता सकते हो? भाई एक्सिस अभी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि इसको कितनी हिस्सों में डिवाइड करना है। हाँ सिंपल करता हूँ ना, आई एम ए बिगनर, तो मैं यहाँ पे देता हूँ भाई मुझे 2 हिस्सों में, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। तो शिफ्ट एंटर तो बताओ, मेरे पास 36 एलिमेंट्स हैं। उसने क्या किया देखो, ये एक एरे बना दिया जिसके अंदर 15 एलिमेंट्स हैं जी। हाँ 15 नहीं, 16, एक ये एलिमेंट एरे बना दिया और एक ये बना दिया, ठीक है। इनको उसने इक्वल रोज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि बाई डिफॉल्ट एक्सिस 0 होता है, तो एक्सिस 0 किसका होता है? रो का होता है। अगर आप यहाँ पे एक्सिस 1 लिख देते हो, मैं आपको शिफ्ट एंटर करके दिखाता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ एक्सिस 0, मतलब बाई डिफॉल्ट एक्सिस 0 होता है और वो रो का होता है। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस 1 कर देता हूँ तो उसे कॉलम वाइज स्प्लिट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट अ मिनट, चल बंद हो जा भाई, डॉक्यूमेंटेशन क्या करती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा, उसने मुझे क्या किया है कॉलम वाइज उसको स्प्लिट कर दिया। कॉलम्स मेरे पास कितने थे गिनने पड़ने थे वो, ठीक है, पर जितने भी थे आप चेक कर लीजिएगा एक उतने ही होंगे। उसने उसको उसके मुताबिक डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये होती है स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग टू आप कह लो एक्सिस 1 और एक्सिस 0, उसमें आप एक्सिस पास करके देते हो। तो मैं इसको आई थिंक सो आपको समझ लगी होगी। इसको मजीद नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल। एंड जो कल वीडियो में पब्लिश करूंगा कि व्हाट्स नेक्स्ट कंक्लूजन के नेम से इस कोर्स का, आज हम इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, तो कल एक लास्ट कंक्लूसिव वीडियो होगी जो आपको बताएगी कि आप नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो वो वीडियो देखना लाजमी देखिएगा, ताकि आपको पता हो कि AI जो आपका ट्रैक था, हम 0 से 1 तक जाएंगे, डेटा साइंस के डेटा साइंस को स्टडी करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो उसमें आपका नेक्स्ट कोर्स जो है वो कौन सा बनता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। से अल्लाह हाफिज़।